हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्ली निट्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये बहुत ही क्यूट सा स्टिच पैटर्न। ये आप फीमेल, मेल, गर्ल, बॉय किसी भी स्वेटर, किसी के स्वेटर के लिए भी बना सकते हैं, कैप पे, ब्लैंकेट पे, कहीं पे भी बना सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमें मल्टीपल ऑफ 2+1 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लेने हैं। ऑड नंबर हम स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे, सिलाई पे डाल लेंगे। टेक्निक्स जो भी यूज़ होंगी उनकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कास्ट ऑन की भी और सब की और एब्रिविएशंस भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। सबसे पहले हमने सिलाई पे घर डाल लेने हैं। आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर आपने प्रैक्टिस भी करनी है तो ज़्यादा टाइट ना खींचिएगा ताकि आपको बुनाई में आसानी हो। 2, 4, 6, 8, 10, 11 मल्टीपल ऑफ 2+1 हमने घर डालने हैं। मल्टीपल ऑफ 2, दो दो के हिसाब से आपने घर डालने हैं और उसके बाद में 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11 हमने मल्टीपल ऑफ 2 यहाँ पे घर डाल लिए हैं। अब जो हमारी ये वाली सिलाई होगी वो सिर्फ राइट साइड पे जाने के लिए होगी, क्योंकि हमने ये पैटर्न राइट साइड से शुरू किया है तो हम सारे घर इस शुरू करना है तो हम सारे घर पहले उल्टे बुन लेंगे। इसे इस रो को आप काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो अपना पैटर्न है वो राइट साइड से शुरू करना है। आपके प्रोजेक्ट की जो भी आप चीज़ बना रहे हैं, स्वेटर बना रहे हैं, तो बॉर्डर बनाने के बाद आपने ये पैटर्न स्टार्ट करना है राइट साइड से, राइट साइड ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपके प्रोजेक्ट की राइट साइड से जो भी आप चीज़ बना रहे हैं। यहाँ पे हमने एक सिलाई जो है वो बुन ली है जस्ट बिकॉज राइट साइड पे आने के लिए, ठीक है। अब आपके जो प्रोजेक्ट की राइट साइड होगी आपने वहाँ से इसे शुरू करना है जो आपका पैटर्न है। रो नंबर 1 जो होगी हमारी पहली सिलाई वो एक हर नेट वाइज स्लिप करेंगे, धागा आगे ले आएंगे और एक घर उल्टा बुन लेंगे। रो 1 हमारी एक घर नेट वाइज हमने स्लिप किया, धागा आगे ले आए और एक घर उल्टा बुना। अब धागा आपने पीछे ले जाना है और जो अगले 2 स्टिचेस हैं उनके बीच में से आपने निडल इंसर्ट करनी है, सिलाई को डालना है और यहाँ से एक घर निकाल लेंगे। अब आपने धागा आगे करना है, यार्न ओवर जिसे आप कहते हैं, और ये वाला घर थ्रू बैक लूप हमने सीधा बुन लेना है। फिर से हम वही करेंगे, धागा आगे ले आएंगे, एक घर उल्टा बुनेंगे, पर्ल 1, और उसके बाद धागा पीछे ले जाएंगे और जो अगले 2 घर हैं उनके बीच में से आपने निडल इंसर्ट करनी है एंड ये निकाल लेना है एक स्टिच। अब आपने धागा आगे करके यार्न ओवर करके थ्रू बैक लूप एक घर बुनना है जिसे K1B कहते हैं। टेक्निक्स की वीडियो जैसे मैंने आपको बताया था कि मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं डिटेल में। फिर से धागा आगे, एक घर उल्टा बुनेंगे और धागा पीछे ले जाएंगे एंड अगले 2 घरों के बीच में से आपने एक स्टिच निकालना है, एक घर एक फंदा, धागा आगे करके K1B थ्रू बैक लूप हमने एक घर सीधा बुन लेना है, ठीक है। फिर से आपने धागा आगे ले आना है, एक घर आपने उल्टा बुनना है, धागा पीछे ले जाएंगे, अगले 2 घरों के बीच में से घर निकालना है, धागा आगे, यार्न ओवर, निट 1 थ्रू बैक लूप, जिससे आपके 3 घर हो जाते हैं। अब आपके पास 2 घर बचे हैं यहाँ पे, तो आपने धागा आगे ले आना है, एक घर आपने
उल्टा बुनना है और एक घर आपने सीधा बुन लेना है। ठीक है, ये रो वन थी हमारी। अब जो दूसरी सिलाई है हमारी सेकंड रो, उसमें आपने एक घर पर वाइज स्लिप करना है, धागा पीछे ले जाना है और एक घर उल्टा सीधा बुन लेना है। एक घर हमने पर्ल वाइज स्लिप किया और निट वन, एक घर सीधा बुना। अब अपने धागा आगे लेकर आना है और पर्ल थ्री टुगेदर, तीन घर साथ में उल्टे बुनेंगे, पर्ल थ्री टुगेदर जिसे कहते हैं। तीन घर साथ में हमने बुनने हैं उल्टे, पर्ल थ्री स्टिचेस टुगेदर। अब धागा हम पीछे ले जाएंगे, एक घर सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे ले आएंगे और पर्ल थ्री टुगेदर, तीन घर साथ में आपने उल्टे बुन लेने हैं। फिर से धागा पीछे, निट वन, उल्टा घर बुन लेंगे। फिर से धागा आगे, पर्ल थ्री टुगेदर, थ्री स्टिचेस टुगेदर, पी थ्री टुगेदर जिसे कहते हैं। फिर से धागा पीछे, निट वन, पर्ल थ्री स्टिचेस टुगेदर। बहुत ही आसान है ये पैटर्न। एक दफा आखिर में दो घर हमारे पास बचे, निट वन, पर्ल वन। थर्ड रो जो हमारी होगी, तीसरी सिलाई हमारी, तीसरी सिलाई जो होगी उसमें हमने एक घर निट वाइज स्लिप करना है, धागा आगे ले आएंगे और एक घर उल्टा बुन लेंगे। अब आपने धागा पीछे ले जाना है, यार्न बैक जिसे कहते हैं, और एक घर स्लिप कर लेंगे। फिर से यार्न फ्रंट, धागा आगे ले आएंगे और एक घर उल्टा बुन लेंगे, पर्ल वन। फिर से यार्न बैक, स्लिप वन, यार्न फ्रंट, पर्ल वन, यार्न बैक, स्लिप वन, यार्न फ्रंट, पर्ल वन। धागा पीछे करके एक घर स्लिप करेंगे, धागा आगे करके एक घर उल्टा बुनेंगे और एक घर सीधा। आखिर में हमारे पास जो दो घर बच रहे हैं इस तरफ से और इस तरफ से, वो हम उसी हिसाब से बुनेंगे जिस तरह हमें मिल रहे हैं। हमारी चौथी सिलाई, स्लिप वन पर्ल वाइज, धागा पीछे ले जाएंगे, यार्न बैक, निट वन। अब आपने धागा आगे ले आना है और एक घर को स्लिप करना है। फिर से धागा पीछे, निट वन, यार्न फ्रंट, स्लिप वन, यार्न बैक, निट वन, यार्न फ्रंट, स्लिप वन, यार्न बैक, निट वन। धागा आगे एक घर स्लिप करेंगे, धागा पीछे एक घर यहाँ पे सीधा बुन लेंगे और एक घर यहाँ पे पर्ल वन उल्टा बुन लेंगे। ये हो गई हमारी चौथी सिलाई। अब जो हमारी फिफ्थ रो है, पांचवी सिलाई, स्लिप वन निट वाइज और निट ऑल स्टिचेस, सारे घर हम यहाँ पे सीधे बुन लेंगे। पांचवी सिलाई हमारी, छठी सिलाई हमारी, सिक्स्थ रो, स्लिप वन पर्ल वाइज और फिर पर्ल ऑल स्टिचेस, एक घर हमने स्लिप किया और सारे घर अब उल्टे बुनेंगे। छठी सिलाई हमारी, सिक्स्थ रो। फिर से हमने ये छह सिलाइयां रिपीट करनी है यहाँ पे, जिससे हमें, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शेप आ रहा है। अब हमने यही जो है छह सिलाइयाँ रिपीट कर करके आपने उतना बुनना है जितनी आपको लेंथ चाहिए, घर आप उतने डालेंगे, जितनी आपको विड्थ चाहिए, जितना चौड़ा आपको प्रोजेक्ट है, और आपने बुनाई तब तक करनी है जब तक आपको आपकी लेंथ मिल जाए।
इसी तरह बुन बुन के आपको ये शेप मिलता जाएगा। और इस तरह मैंने यहाँ पे 3 दफ़ा ये 6 सिलाइयाँ रिपीट की हैं, 3 times आई रिपीट 6 रोज, दी 6 रोज, 1, 2, 6, 1 से 6। हमने ये नहीं गिननी जो कि हमने सीधी साइड पे आने के लिए सिलाई बुनी, हम सिर्फ जो राइट साइड से हमने शुरू की एक सिलाई उसको बुनेंगे, उसको गिनेंगे। 1 to 6 रोज़ हमने रिपीट करनी है, उसके बाद आपको रिपीट करते जाना है जब तक आपको आपकी लेंथ मिल जाए। होप सो कि आपको ये पैटर्न अच्छा लगा हो, स्टिच पैटर्न मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।